पीएम किसान योजना 2022 सरकार जल्द ही 11 करोड़ किसानों खाते में डालेगी 11वीं किस्त। इन किसानों के अटक सकती है 11वीं किस्त, जाने का कारण है। अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन। पीएम किसान योजना 2022 सरकार जल्द ही 11 करोड़ किसानों खाते में डालेगी 11वीं किस्त। इन किसानों के अटक सकती है 11वीं किस्त, जाने का कारण है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकट न्यूज में, नई दिल्ली। पीएम किसान योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इस योजना में केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इससे किसानों को काफी राहत मिलती है। अब तक इस योजना के तहत 10 किस्त किसानों खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है और 11 किस्त आनी बाकी है। लेकिन इस बार सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अब की बार 11 किस्त उन्हीं किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अभी तक सिर्फ आधे किसानों ने की करवाई ई-केवाईसी। बता दें कि सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दिया है, जबकि पहले ये 31 मार्च 2022 तक थी। इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी काफी संख्या में किसानों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। बात करें बिहार की तो यहाँ योजना से जुड़े सिर्फ 55% किसानों ने ही ई-केवाईसी की है। कमोबेश वही स्थिति अन्य राज्यों में है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि इस बार काफी संख्या में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इधर बिहार सरकार ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बदलाव की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगी 11वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले दिनों बिहार में गड़बड़ झाला सामने आया है, जिसके तहत कई अपात्र किसानों ने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में किसानों को 11 किस्त जारी होने से पहले ई-केवाईसी लेनी चाहिए। इसी साथ ही केंद्र सरकार ने इसके बदलाव की जानकारी देने के लिए बिहार सरकार की ओर से किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। पीएम किसान योजना, क्यों जरूरी है ई-केवाईसी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी से रोकने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब तक इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी करवा ली है। केंद्र सरकार ने इस योजना में किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी किसान ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की किस्त उन्हें ट्रांसफर नहीं की जाएगी। किसान कैसे करे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी? इसके लिए सबसे पहले किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको होम पेज पर दाएं साइड ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड लिखकर सर्च को ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी भरते ही आपका आधार डिटेल अपडेट हो जाएगा। किसान ऐसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस। सबसे पहले किसान को इस योजना के अधिकार वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको राइट साइड पर फार्म कॉर्नर का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज पर आपको आधार नंबर, बैंक खाता नंबर में से किसी एक को चुनना होगा। इन दोनों नंबरों के जरिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है उसमें आपको वह नंबर भरना होगा। इसके बाद आपको गेट डाटा के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।